नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ मित्रों, आज बजरंग बली का जन्मदिन है, तो आज आप 5 बजे के बाद जरूर करें ये काम। शुभ करेंगे बजरंग बली, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज मित्रों 11 अप्रैल मंगलवार का दिन बहुत ही लाभकारी है। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर बजरंग बली जी का जन्म दिवस यानी हनुमान जयंती मनाई जाएगी। इस खास दिन पर यदि बजरंग बली की कृपा प्राप्त हो जाए तो शनि देव और मंगल देव भी प्रसन्न हो जाएंगे। आपके जीवन में, आपकी लाइफ में मंगल ही मंगल करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य व राहु के दोषों के निवारण हेतु बजरंग बली की आराधना विशेष मानी जाती है। चैत्र मास की मित्रों पूर्णिमा पर हस्त नक्षत्र मिलने पर हनुमान जी का जन्मदिन का आध्यात्मिक प्रभाव बढ़ जाता है। इस विशेष दिन रूप से की गई हनुमान जी की बजरंग बली की साधना जो है, जो हम पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो वो हमारे रोग शोक व हमारे कष्टों को मिटाकर हमें विशिष्ट फल देती है। आज मित्रों आप बजरंग बली के जन्मदिन पर अवश्य करें ये मंगलमयी काम। पार्थ शिवलिंग पुरुषाकार शनि यंत्र की स्थापना करें। काले घोड़े की नाल अपने मकान, दुकान या फ्लैट्स में लगाएं। हनुमान जी, बजरंग बली जी ब्रह्मचारी हैं और इसी वजह से उनका चित्र बेडरूम में नहीं लगाएं, बल्कि मकान, अपने घर, अपने हाउस, अपने फ्लैट्स के मंदिर में या किसी अन्य पवित्र स्थान पर रखना लाभकारी रहता है। मित्रों खजूर और हनुमान चालीसा को किसी नए लाल कपड़े में बांधकर शाम ठीक 5 बजे के बाद हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। मतलब क्या करें मित्रों, आप हनुमान चालीसा ले लीजिए एक, और एक खजूर ले लीजिए। बाजार जाइए और वहाँ से खजूर ले आइए, और खजूर लाकर आप हनुमान चालीसा को किसी नए लाल कपड़े में बांध दीजिए, जो नया कोरा कपड़ा हो उसमें बांध कर शाम 5 बजे के बाद हनुमान जी के मंदिर में आप चढ़ा दीजिए। अपने फ्लैट्स में, अपने मकान में, अपने दुकान, अपने जो घर है पर पीपल के पत्तों की माला बनाएं मित्रों, और उन पर कुमकुम से श्री राम लिखकर बजरंग बली जी को अर्पित कर दीजिए। मित्रों शुद्ध घी के लड्डू बनाकर हनुमान जी को भोग लगाइए। हनुमान जी के चित्रपट अथवा प्रतिमा पर नीले फूलों की माला चढ़ाएं। अगर आपके पास नीले फूल हैं तो आप हनुमान जी बजरंग बली के जो आपके घर में विराजित हैं, चित्रपट है, तो उनको चढ़ा दीजिए। पान के पत्ते पर कत्था लगाकर हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। बहुत खुश हो जाएंगे हनुमान जी, क्योंकि उनको सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बजरंग बली जी के मंदिर में जाकर लौकी चढ़ाएं। दूध में शहद मिलाकर बजरंग बली जी के चित्र पर भोग लगाएं। बजरंग बली जी के मंदिर में 7 केले चढ़ाए आए। हनुमान जी, बजरंग बली जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाए आए। पीपल के नीचे उत्तरामुख विमुख होकर तेल का जोत जलाकर मध्यकाल में 11 बार पाठ हनुमान चालीसा के करें। नीले कपड़े में तिल बांधकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाए तो आपको जीवन में मंगल ही मंगल प्राप्त हो। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।